माफिया मुख्तार अंसारी को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए पंजाब के कांग्रेस सरकार ने जनता के लाखों रुपए उड़ा दिए थे। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार से बचाने के लिए भी 55 लाख से अधिक रुपए खर्च किए गए थे। राज्य के आम आदमी पार्टी सरकार की जांच में इसका खुलासा हुआ है। गैंगस्टर से नेता बना मुख्तार अंसारी पंजाब की रूपनगर जेल में 2 साल से अधिक दिनों तक कैद रहा था। राज्य के भगवंत मान सरकार की जांच में खुलासा हुआ है कि कांग्रेस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील को अंसारी का मुकदमा लड़ने के लिए प्रति सुनवाई 11 लाख रुपए खर्च किए। इस मामले में कुल 5 सुनवाई हुई थी। इस प्रकार मुख्तार अंसारी के वकील की फीस पर करदाताओं के कुल 55 लाख रुपए उड़ा दिए गए। जेल मंत्री हरजोत बैंस के मुताबिक जिस दिन सुनवाई नहीं हुई उस दिन कथित तौर पर वकील ने 5 लाख रुपए लिए। वकील द्वारा उठाए गए बिल अभी भी पेंडिंग है और आप सरकार ने बिलों को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। जेल मंत्री बैंस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम एक गैंगस्टर को बचाने के लिए 55 लाख रुपए का बिल क्यों भरें? हमने मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गैंगस्टर को एक बैरक में VVIP ट्रीटमेंट दिया गया था जो 25 कैदियों को रखने के लिए था, लेकिन कांग्रेस सरकार के राज में उस बैरक में मुख्तार अंसारी अकेला ही रह रहा था। हरजोत बैंस ने यह भी दावा किया कि जेल अधिकारियों ने मुख्तार की पत्नी को भी जेल में अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी थी। बता दें कि यूपी में मुख्तार पर काफ़ी केस दर्ज है। ऐसे में यूपी सरकार मुख्तार को अपने हिरासत में लेना चाहती थी, लेकिन पंजाब की कांग्रेस सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते ऐसा न होने देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। यहाँ तक कि सिर्फ यूपी पुलिस की कार्रवाई से बचाने के लिए मुख्तार को एक संदिग्ध FIR के आधार पर पंजाब की जेल में रखा गया था ताकि उसके सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा सके और कांग्रेस का वोट बैंक नाराज ना हो। काफी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी पुलिस को मुख्तार की हिरासत मिली थी।